गुड मॉर्निंग सर। डियर फर्स्ट ईयर डियर फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो बीडी स्टार्ट हुई है वो है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि बेसिकली देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक विधि जो होती है वो एक परंपरागत विधि होती है, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि जो बच्चा होता है इसे अध्ययन के लिए पूर्ण निर्धारित, एक तरह से किसी भी अध्ययन के लिए पूर्ण निर्धारित योजना बनाकर पढ़ना पड़ता है या पूर्ण नियोजित क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो पहले से ही उस बुक के अकॉर्डिंग अपनी बातें या कुछ भी उसको रीड आउट करना होता है या टीचर्स के द्वारा समझाए जाने से पहले ही क्या कर लेता है, उस चीज़ को अध्ययन कर लेता है। ऐसे देखा जाता है कि जो उच्च स्तर के जो क्लासेस होती हैं, जो बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं या छोटी क्लासेस होती हैं, उसके लिए जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं पाठ्य पुस्तक होती है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। तो टेक्स्ट बुक को स्पष्ट करते हुए एक वैज्ञानिक है, टेक्स्ट बुक को स्पष्ट करते हुए एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर वेल्स के अनुसार, प्रोफेसर वेल्स के अनुसार पाठ्य पुस्तक विधि ज्ञान के संकलन की पाठ्य पुस्तक द्वारा कुल ज्ञान प्राप्त करना होता है।
विषय वस्तु बहुत कम में बन जाती है। बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ का जब अध्ययन करते हैं तो उसके अपने मस्तिष्क में ध्यान करने की बहुत क्षमता लग रखती है। इसलिए बोला गया ये जो विधि होती है ये किसी भी विषय वस्तु को बहुत कम में बना देती है, जिससे छात्र आवश्यकताओं की जिससे छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से क्या होती है, संभव होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर फोर छात्र प्रति सदैव सक्रिय एक्टिव सक्रियता की भूमिका निभा
निभाते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को, जैसे आपके सामने भी न्यू बुक्स आती है तो आप खुद ही उसे सर्च करने की कोशिश करते हैं बेसिकली इसके अंदर क्या है, किस तरह का पाठ्यक्रम है, कौन सा हमारे ऐड किया है, क्या क्या हमें इस बार सीखने को मिलेगा। तो पाठ्य पुस्तक विधि के अंदर जो छात्र होता है वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और श्रद्धा की भावना उनके अंदर से होती है। यह आपके क्या है पाठ्य पुस्तक का अर्थ और उसके गुण। अब आपको होमवर्क है, पाठ्य पुस्तक आपको स्पष्ट करते हैं इसके गुणों को समझाइए, फिर ये सुरक्षा लिए। थैंक यू।